गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग ट्रेवल फिल्म और स्पेशल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व पचमढ़ी में आज से हम स्टार्ट करेंगे कुछ नई नई हेरिटेज टाइप की लोकेशन। और हाँ, जैसे कि आपने नोटिस किया था और आप लोगों ने पूछा भी था सतपुड़ा टाइगर का मतलब। देखो, सतपुड़ा टाइगर में आपने पूछा था कि यार टाइगर तो हमको देखने को मिले ही नहीं, हमने कुछ टाइगर वाली स्पेशल लोकेशन शूट करके रखी है जिसमें आपको हाँ एक्चुअल में टाइगर देखने को मिलेंगे। जो आने वाले समय में फिल्म आएगी तो आप देख सकते हैं। अभी के लिए अपन सतपुड़ा टाइगर, जो देखो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक्चुअली दो जोन है, एक होता है बफर जोन और एक होता है कोर जोन। तो इसके पहले के जो आपने ब्लॉग देखे थे, कुछ हमने बफर जोन के दिखाए आपको, कुछ कोर जोन के, जो कोर जोन के शॉट्स है, जो ट्रेवल फिल्म है, वो आने वाले टाइम में आपको जानवरों वाली, जो प्योर आप बोल रहे थे जानवरों वाली लोकेशन, उसको हमने शूट करके रखा है और कुछ शूट अभी चल भी रहा है जो आपको ऑफकोर्स देखने को मिलेगी। तो आज हम स्पेशल में आप अप्सरा विहार, पहला पॉइंट, अगर इस साइड में आप पांडव गुफा या पांडव केस वाली लाइन में पचमढ़ी में अगर आप देखोगे तो आपको तीन चार पॉइंट एक ही लाइन पे मिल जाते हैं, जैसे कि पांडव गुफा। उसके बाद में दूसरा पॉइंट अपना आ जाता है सिल्वर फॉल, तीसरा पॉइंट आ जाता है अप्सरा विहार और एक आता है पांचाली। ठीक है, तो इन लोकेशन पर आने के लिए ऑफकोर्स आपको हर बार की तरह डू कॉन्टेक्ट बाइसन लॉज, बाइसन लॉज से आपको प्रॉपर टिकट निकाल लेना है। और उसके बाद हर चीज़ हर बार की तरह गाइस ध्यान रखें, कहीं भी कूड़ा करकट ना फेंके, कहीं भी गंदगी ना करें, जैसा साफ सुथरा है उसको, हर चीज़ का आपको सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन सिल्वर फॉल और अप्सरा विहार की, ये अच्छे अच्छे जो वाटरफॉल आपको सजेस्ट किए थे वो वाटरफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के साथ इस ट्रेवल फिल्म यात्रा को आगे बढ़ाते और हाँ देखते रहिए। ओके गाइस, चलो भाई, तो अब अपन गाइस निकल रहे हैं अप्सरा विहार और सिल्वर वाटरफॉल और पांचाली। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा रास्ता है। इस रास्ते में जैसे कि मैंने बताया वहाँ पर आपको टिकट दिखाना है। और चलो आज हर बार की तरह अपना साथ देगी गुली। और एक गाइस ध्यान रखना है कि जो ऊपर का मैंने दिखा ना, जहाँ पर मैंने आपको वेलकम किया था, वो वहाँ पर आपको टिकट दिखाना। देखो टिकट का कैसा मैटर है, यहाँ पर यहाँ पैदल भी आ सकते हो, आपकी खुद की बाइक से भी आ सकते हो और सफारी भी ले सकते हो। और सफारी बाइसन लॉज, हर बार की तरह डू कॉन्टेक्ट बाइसन लॉज, बाइसन लॉज से आपको सतपुड़ा की ये टिकट लगती है भाई। इस लोकेशन फ्री नहीं है, क्योंकि ये सब कोर वाली लोकेशन है। ये सतपुड़ा में जोन बने होते हैं ना, कोर जोन, बफर जोन, इधर जानवर नहीं है उतने, लेकिन 3 बजे के बाद खतरा रहता है तो बंद कर देते हैं। 10 से 3 का टाइम है और इसकी बड़ी डिमांड थी आपकी, सिल्वर यानी कि रजत प्रपात हिंदी में नाम है उसका। और इसके दो रास्ते हैं, जहाँ पर काउंटर है टिकट का, जो बैरिगेट है वो एक ऊपर, वो टैक्सी के लिए बनाया है, तो वो भी जाके आपने को उधर ही मिलेगा, नीचे मिलेगा आपने को। और ये अपने पैदल वालों के लिए है, पैदल या बाइक वाइक ऑफकोर्स। तो ये रास्ता मुझे सही लगा थोड़ा अपने लिए, क्योंकि सूट लोकेशन इधर अच्छा व्यू मिलेगा। और वो जो ऊपर वाला रास्ता है वो अभी भी बना है। ये तीनों लोकेशन एक ही लाइन पे है, एक ही टिकट में आपका तीनों का काम हो जाएगा। लेकिन सफारी का भाड़ा ज़्यादा है और वो डिपेंड करता है कितनी सवारी है, 1500, 2000, 1000 रुपये, 500 रुपये, डिपेंड करता है कितनी सवारी है। आपको गाइड चाहिए तो गाइड रख सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता इधर इस ऐसी लोकेशन में गाइड की ज़रूरत है। जहाँ जानवर वाला इलाका होता है वहाँ गाइड चाहिए। जैसे कि जानवरों से गाइस याद आया, एक हमने अच्छी टाइगर, आपको जो नाम है ना सतपुड़ा टाइगर, लेकिन आप बोलते हो हमको टाइगर तो देखने को ही नहीं मिलते। अब अपन ने टाइगर की लोकेशन शूट करके रखी है, वो आने वाले टाइम में मिलेगा आपको देखने को। तो ये ऐसी कुछ सीढ़ी है भाई साहब, ये भी सीधा गड्ढे में ही है, हालत ख़राब हो जाएंगी जाते आते में, तो पक्का हालत ख़राब हो जाएगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अपन सबसे पहले सिल्वर वाटरफॉल कवर कर लेते हैं और हियर वी गो। ओके गाइस, तो जैसे कि देखो कुछ यात्री लोग अभी वापस जा रहे हैं बैरिगेट के पास, और मुझे लगता है काफ़ी हालत ख़राब हो गई ना भाई लोग। मज़ा आया, बेहतरीन, झमाझम। देखो तो यानी कि ये जो चढ़ाई है, इधर से सीढ़ियाँ है, अगर आप चाहते हो कि इतना चढ़ना नहीं होगा आपसे, तो ऊपर वाले रास्ते से भी आप ले सकते हो। कैसा रहा भाई लोग? थोड़ा बहुत है नहीं। चलो तो इस वाले रास्ते से गाइज आप आते हो तो आपको इतना चढ़ना पड़ेगा, जैसे कि कुछ ट्रेवलर यात्री लोग जा रहे हैं ऊपर। और वो वाला जो रास्ता है
आपको जिप्सी वाला है, ट्रैक वाला, तो इतना आपको ध्यान रखना है। पचमढ़ी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, वेलकम टू द अगेन गाइस इसको टेक यूट्यूब। और गुली देखो कैसी स्पीड से भाग रही है, गुली ये देखो है इधर भी ध्यान है। तो इस रास्ते से मज़ा आएगा आने में आपको, क्योंकि ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा खूबसूरत है। देखो ये जो आप बोलते हैं ना टिकट की, देखो इतना मेंटेनेंस के लिए टिकट लगती है, क्योंकि देखो जानवर वाली लोकेशन रहती है तो मेंटेनेंस का ये वो फलाना ढिमका बहुत रहता है यार। कार सफारी भी आ सकते हो इस लाइन में, ध्यान रखे पचमढ़ी आने के बाद बस स्टैंड पचमढ़ी से आपको बाइसन लॉज जाना है। कुछ लोकेशन फ्री है पचमढ़ी में, कुछ लोकेशन पर टिकट लगती है। और टिकट कहाँ लगती है आप समझ गए होंगे, बफर और कोर जोन में ज़्यादा लगती है, जो अंदर है फॉरेस्ट के अंदर लोकेशन। लेकिन महादेव जो भगवान की जगह, वहाँ कहीं भी टिकट नहीं लगती है। जहाँ भी भगवान का नाम आएगा ना, जैसे महादेव, छोटा महादेव, बड़ा और मच मोर गाइज टेम्पल अवेलेबल, तो आपको बी फॉल में भी टिकट लगती है। और डचेज में तो ऑफकोर्स भाई, डचेज फॉल बी फॉल की स्पेशल ट्रेवल फिल्म बनी है, ट्रेवल गाइड जरूर देखे सिस्कोटेक चैनल पर। और फॉल में इन फॉल की और डिमांड थी तो अपन आज और कवर करेंगे। गुली रुकना, यहाँ पर कुछ शॉट ले लेंगे अपन। और हमारे पास भी क्या है गाइस, टाइम कम है और 2021 चालू हो चुका है। अभी क्या चल रहा है, जनवरी, जनवरी का 15 या 16 तारीख है गाइस आज। आप पता नहीं ये ट्रेवल फिल्म वीडियो कब मिलता है आपको, देखते हैं। इसके पहले हमने एक अच्छी खास लोकेशन शूट करके रखी है, टाइगर वाली, जहाँ जिसमें आपको सब कुछ टाइगर, भालू, चीता, शेर देखने को मिलेगा। लेकिन उसका पार्ट वन शूट हुआ है और बुकिंग ना मिलने के कारण उसका हम बताएंगे आपको कि कैसे बुकिंग करना है। और वाह यार देखो, ये भी डचेस फॉल के समान ही है, अमेजिंग, वाह। ओके गाइस, तो जो सिल्वर वाटरफॉल है, यहाँ पर इस एरिया में तीन लोकेशन है। वैसे तो पांडव गुफा पहली लोकेशन आती है, उसी के आगे निकलेंगे तो सिल्वर फॉल, उसी के आगे निकलेंगे तो अप्सरा विहार, और इसी के आगे एक और चीज़ है पांचाली, जो आपको आने वाले पार्ट में, हो सकता है ज़्यादा लंबा होगा तो पार्ट में आएगी गाइस, क्योंकि तीन चार लोकेशन है। और हाँ, हमने यहाँ बैठ के भी खाना खाया आज। एक्चुअली क्या है, गुल्ली ने बहुत अच्छी चीज़ लाई थी, अपने घर से लड्डू बना के लाते हैं ना गुल्ली, वो देखो अभी उधर, मैंने तो खा लिए। अब क्या, अभी जब से COVID-19 चल रहा है गाइस, तो कोशिश करो कि अपने घर से ही लाओ। हमने तो चाय का कैंडल और खाना हमारे अपने अपने घर से ही लाया था। और गुली को थैंक यू कि उनने अपने लिए आज लड्डू और नमकीन बना के लाया था उसने, तो हमने यहीं बैठ के खा लिया। ऐसे कहीं भी जंगल में आप जहाँ अच्छी साफ जगह मिले आराम से। और मेरे तो मानना है कि घर से ही खाना लाओ। मुझे पता है यात्री लोग दूर दूर से आते हैं, नागपुर से, महाराष्ट्र से, MP से, तो हम तो क्या लोकल के, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम घर से खाना रखा। लेकिन आपको दूर पड़ता है ना यार, तो फिर किसी अच्छे होटल से आपके हिसाब से थोड़ा साफ सुथरा देख के, कभी अभी भी कोरोना है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो मास्क और सैनिटाइज का डब्बा मेरे पास तो रहता ही है। अभी तो हम एक दो चार लोग हैं तो यहाँ कोई मास्क भीड़ में नहीं है, तो यहाँ मास्क निकाल दिया है। लेकिन मास्क रखे, क्योंकि पूरे बाहर से आते हैं यात्री लोग, और हॉलीडे के टाइम आपको भीड़ भाड़ यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। और डचेस फॉल और जो सिल्वर वाटरफॉल है, वो आपने देख लिया होगा, ट्रेवल फिल्म एक दो महीने पहले रिलीज़ किया था। अब गुली सामान पैक कर रही है वहाँ पर, हमने यहीं पर खाना खा लिया। और हमारे पास अभी तो, मैं गाइस जैसे कि मैंने बताया, सब कुछ आपको साथ में लेके ही चलना है। और ये एरिया भी बहुत खतरनाक है, ये भी जानवरों का इलाका है। अगर किस्मत अच्छी रही तो शाम शाम को देखने को भी यहाँ मिल जाते हैं, सिल्वर वाटरफॉल में या अप्सरा विहार में। इसलिए अभी एक फॉरेस्ट ऑफिसर 2 बजे यहाँ आ जाते हैं कि अफरा तफरी न मचे, कोई जानवर आ गया, क्योंकि गड्ढे में है। ये अभी दिख रही है ना आपको चढ़ाई, आते में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाते में भाई साहब हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे डचेज वाटरफॉल है ना, वो तो इतना भयंकर कठिन है, जब वापस आओगे वाटरफॉल से नीचे तब आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और हाँ, तीन रास्ते हैं, ये तीन लोकेशन एक ही लाइन पर है, लेकिन तीन रास्ते जाने के, मेन बैरिगेट से एक जिप्सी वाला, और किसी अंग्रेजों के ज़माने में और एक रास्ता था, वो उस साइड में है। अब इस रास्ते से जिप्सी वाला या आपको लाएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा तीनों रास्ते। तो ये पैदल रास्ता है, अगर पैदल आपको अगर पैसे बचाना है
तो पैदल और बाइक से आओगे तो 150 रुपए की टिकट में आपका काम हो जाएगा, लेकिन टैक्सी लोगे तो ऑफकोर्स जो पैदल चलना अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको पैदल नहीं जम रहा कि भैया इतना लंबा कौन चलेगा, वैसे तो इधर पैदल चलना ही पड़ेगा, टैक्सी भी अलाउड नहीं है। टैक्सी जाएगी कहाँ, ये छोटा सा रास्ता है, उबड़ खाबड़ है, जंगल है, ये देखो पूरा ऐसे, अभी तो नीचे बहुत खतरनाक है, अभी देखना, इसलिए कुछ तो पैदल आपको चलना ही पड़ेगा, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको। आप चाहो तो गाइस बोली आ जाना है ना, चलता हूँ मैं, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप साइकिल से, पैदल या बाइक से आते हो तो बैरिगेट पे बाइक खड़ी करके आप इस जंगल में अंदर घुस सकते हो। और ध्यान रखें 3 बजे तक, ये भी जानवरों वाला इलाका है, किस्मत अच्छी रही अगर आज हमको कोई दिखता है, एक बड़ी सी यहाँ पर हर टाइप की वैरायटी वाली गिलहरी भी आपको देखने को, इतनी बड़ी है यार, मैं क्या बताऊँ, मैं अभी टाइम लैप्स ले रहा था, नहीं तो गिलहरी यहीं से इस पेड़ पे से उछल के भागी है, इतनी मोटी, मैंने नागद्वारी यात्रा की पार्ट नंबर 3 या 4 में भी आपको दिखाई थी, ऐसा लगता है वो गिलहरी की 5-7 किलो की होंगी, अच्छी बड़ी यार, अच्छी कलरफुल, कितना, ये देखो गुली ने देखा था उसको सबसे पहले, गुली ने बोला कि वो देखो गिलहरी जा रही, आप देखेंगे, कोशिश करूंगा। कई बार क्या है, हम शूट कुछ करते रहते हैं, बीच में अचानक से कोई छोटा सा जानवर या ऐसा कुछ आ जाए तो वो उसको कवर करने के लिए बिल्कुल रेडी ही रखना पड़ता है। चलो आप गाइस इस ट्रेवल फिल्म को, यात्रा वीडियोस को आगे बढ़ाते हैं। 3 लोकेशन है जैसे कि मैंने बताया, हो सकता है ज़्यादा लंबा रहेगा तो ऑफकोर्स यू गोना एपिसोड ट्राई Part 1, Part 2 and Part 3 समथिंग, तो सभी पार्ट जरूर देखें, मज़ा आएगा। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। अपन क्या थोड़ा लंच ब्रेक के लिए रुक गए थे सुबह से, क्योंकि भूखे प्यासे हम भी निकले थे, और इसके बाद इन ट्रेवल फिल्मों के बाद और एक खास चीज़ आने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत हमने मेहनत की है, बस वेट करना है थोड़ा सा। चेक इट आउट, रजत प्रपात हिंदी नाम है, यू डोंट माइंड गाइस। ये अब इस वैली तक अपन आ गए, लेकिन आते टाइम पैदल में हालत खराब हो जाएगी भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेक। ये वैली देखो, इतनी खूबसूरत वैली है, और अभी अपन नीचे उतर रहे हैं बेसिकली, और ये वाला जो रास्ता है अभी, जैसे कि आपने देखा अभी तक, ये यात्रियों का है, बाकी जितने भी रास्ते हैं 1, 2, 3 एक ही रास्ते में आकर फाइनल में आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आपने देखा अभी यात्री आ रहे हैं, और जो जो सिल्वर वाटरफॉल है उसके लिए आपको धीरे धीरे इस समथिंग लाइक कि 3 से 3,500 फीट तक के अपन यहाँ पर भी आ चुके हैं, देखते अपना SKL क्या बोलता है उस हिसाब से अपन और डिस्टेंस को आगे बढ़ाएंगे, और हाँ देखते रहिए। हालत ना कसम से, मजाक नहीं, खराब हो रही ली है, और ये है अपना, अभी तो अपन धीरे धीरे सिल्वर फॉल की ओर निकल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ठंड है पचमढ़ी में, मुझे लगता है जो इवनिंग से मॉर्निंग तक का अपना टारगेट था वेदर समथिंग लाइक 13 डिग्री सेल्सियस, अब देखो ऐसे यात्री बैठ बैठ के आराम भी कर रहे हैं और आते भी जा रहे हैं, कमान। दोस्तों मैं जल्द मिलता हूँ Part 2 के साथ, Episode 2। इस यात्रा ट्रेवलर फिल्म को लाइक करें, शेयर करें, और जी हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।